हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ऐड फिंगरप्रिंट लॉक, यानी कि इस डिवाइस में फिंगरप्रिंट लॉक सेट कैसे करें। फिंगरप्रिंट डेटा ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोन के सेटिंग्स में आना होगा। फ़ोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए, नेक्स्ट पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर टैप करेंगे। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सेटिंग से आप पैटर्न लॉक, फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम फिंगरप्रिंट लॉक ऐड करना सीखेंगे। यहाँ फिंगरप्रिंट पे क्लिक करिए। फिंगरप्रिंट सेट करने से पहले आपको कुछ एडिशनल पासवर्ड सेट करना होगा, क्योंकि कई बार फिंगरप्रिंट स्कैनर हमारा फिंगर ठीक से स्कैन नहीं कर पाते, उस समय आप दूसरा पासवर्ड डाल के फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ एडिशनल स्क्रीन लॉक के हिसाब से पैटर्न, पिन या पासवर्ड सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इनमें से पैटर्न लॉक को चुन लेता हूँ। उसके बाद 2 टाइम सेम पैटर्न को ड्रॉ करके कॉन्फर्म कर देंगे। ऐड योर फिंगर डेटा, जिस अंगुलियों को आप सेट करना चाहते हैं उसे क्लीन कर लेना है। उसके बाद सेंसर के ऊपर फिंगर को अच्छी तरीके से अप एंड डाउन करके मूव करते रहिए। फिंगर टच करने के साथ साथ आप वाइब्रेशन महसूस करेंगे। यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर का जो लाइन दिख रहा है, अपना फिंगर को चारों तरफ से मूव करके इन सभी लाइन को फिल करना होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फिंगर डेटा ऐड हो चुका है। यहाँ ऐड फिंगरप्रिंट पे टैप करके आप एक से ज़्यादा मैक्सिमम 5 फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन मेथड, अगर आप प्रेस चूज करेंगे तो उस फिंगर से पावर की को प्रेस करके अनलॉक करना होगा। अगर आप टच रखेंगे तो एक बार टच करने से आपका डिवाइस अनलॉक हो जाएगा। इस फिंगरप्रिंट डेटा को आप स्क्रीन अनलॉक, ऐप लॉक और प्राइवेट फोटो एक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।